सबसे पहले तो मैं उन कुछ यूट्यूबर्स को बोलना चाहूंगा जो कल से इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं कि 594 रुपए का रिचार्ज कराना जरूरी नहीं है। रिटेलर आपको जान के फोर्स कर रहे हैं अपना कमीशन बनाने के लिए कि उनको ज्यादा कमीशन मिलेगा अगर ज्यादा मंथ का वो रिचार्ज करेंगे। तो दोस्तों ये एकदम गलत बात है। मैं आपको यहाँ पे विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि किस तरह की स्कीम जियो कंपनी लेकर आई है। और दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि आधे से ज्यादा रिटेलर्स ऐसे हैं जो इस स्कीम पे आपको फोन नहीं देंगे। आप जाएंगे भी उनके पास, फोन पड़े भी होंगे, फिर भी आपको वो देने से मना कर देंगे। क्यों मना करेंगे दोस्तों और क्या है वो पूरी खबर मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो ये उन यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस तरह की वीडियो मत डालिए। आप ये चीज मत बोलिए कि रिटेलर जान के आपको फोर्स कर रहे हैं 594 रुपए का रिचार्ज करने के लिए ताकि उनको ज्यादा कमीशन मिले। तो दोस्तों बने रहिए आप इस वीडियो में और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए। तो मैं हूं समरजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्योर टेक टॉक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके और आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सके। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया रिटेलर कॉस्ट विद FRC जियो फोन कॉस्ट 1380 रुपए, FRC कॉस्ट 99 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 1380 रुपए का दुकानदार को फोन पड़ता है, 99 रुपीज का उस पे दुकानदार आपको रिचार्ज करके देगा और टोटल कॉस्ट जो एक दुकानदार की बैठेगी 1479 रुपीज। अब हम बात कर लेते हैं कि रिटेलर को वहां पे क्या इंसेंटिव मिलने वाला है, क्योंकि सारी गेम जो है जियो कंपनी की इसी इंसेंटिव के ऊपर, और या फिर ऐसा है कि कंपनी जो है रिटेलर की जेब से पैसे लेने वाली है। आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि रिटेलर आपको 594 रुपए का रिचार्ज करने को बोल रहा है या फिर कंपनी द्वारा स्कीम ऐसी निकाली गई है कि 594 रुपए का रिचार्ज करना मस्ट है, उसके अलावा वहां पे कोई रिचार्ज नहीं होगा। आपको इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि ये चीजें सारी यहीं पे क्लियर होने वाली है और विद प्रूफ मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे रिटेलर इंसेंटिव को देख सकते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है पेड एज OTF ऑन सक्सेसफुल एक्टिवेशन, यानी कि दोस्तों जब एक दुकानदार आपकी सक्सेसफुल एक्टिवेशन कर देगा, आपका सिम एक्टिवेट हो जाएगा, आप जब जियो फोन अपना एक्सचेंज करा रहे होंगे तो वहां पे 201 रुपए का उसको OTF मिलेगा। और फ्रेंड्स अगली यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया कि पेड ऑन रिटर्न एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ओल्ड फोन एट JC हैंडसेट अप्रूव्ड बाय कंपनी। पेड ऑन रिटर्न यानी कि दोस्तों जब एक दुकानदार आपसे आपका पुराना फोन लेगा, उसके बाद वो पुराना फोन दुकानदार से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास से वो जियो सेंटर यानी कि JC पे जाएगा उस एरिया के, और वहां पे कंपनी सारे उस फोन को चेक करेगी, एक एक चीज चेक करेगी कि कोई उस पर प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती तो दुकानदार को 304 रुपए उसके अकाउंट में और दे दिए जाएंगे जियो पॉज में, जिससे वो रिचार्ज करता है। तो दोस्तों यहाँ भी बात समझ आती है, यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि 200 रुपए एक बार दिए, 304 रुपए दुकानदार को एक बार दिए, तो यानी कि दुकानदार तो यहाँ पे बहुत मोटा मुनाफा कमाने वाला है, आपको शायद अभी तक ऐसा लग रहा होगा। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं पेड एज मॉनसून हंगामा एक्सचेंज फैसिलिटेशन, दोस्तों एक्सचेंज करने के लिए वहां पे 2500 रुपए दुकानदार को दिए जाएंगे, और जब वो सिम एक्टिवेशन का जो एक्चुअल उनको कमीशन मिलता है 20 रुपए, तो वहां पे आपको 20 रुपए का रिटेलर को एक एक्स्ट्रा कमीशन मिल जाएगा। तो कंपनी का कहना यहाँ पे है कि 201 रुपए उन्होंने एक बार दिया, 304 रुपए दूसरी बार दिए, फिर उनको 25 रुपए दिए और फिर वहां पे 20 रुपए दिए। तो टोटल यहाँ पे एक दुकानदार का जो यहाँ पे कमीशन है, यानी कि आप कह सकते हैं जो कंपनी का कहना है कि इंसेंटिव है, 550 रुपए कंपनी रिटेलर को दे रही है, 1095 रुपए आपने वहां से कस्टमर से लिए। तो टोटल यहाँ पे एक दुकानदार के पास पैसे आ जाते हैं 1645 रुपए, ठीक है। 1645 में से 1479 रुपीज लेस करके कंपनी दिखा रही है कि एक दुकानदार को 166 रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं एज अ कमीशन। तो ये सारा कमीशन नहीं था जो आपको 300 रुपए 500 रुपए दिख रहा था, क्योंकि दोस्तों रिटेलर ने पहले ही 1380 रुपए में फोन खरीदा हुआ, जो फोन आपको 501 रुपए में कंपनी देने को कह रही है, उसमें कंपनी कह रही है कि आप 500 रुपए आप रिटेलर से लो, 99 का रिचार्ज करो, 594 रुपए आप कस्टमर से लो, और कंपनी जो है ऑटोमेटिकली जब 99 रुपीज की उस नंबर पे FRC होगी, 5 महीने के आपके पास माय वाउचर में कूपन आ जाएंगे, नेक्स्ट 5 मंथ्स के कूपन 99 रुपीज ईच होगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सारी स्कीम में है, तो सबसे पहले तो दोस्तों कंपनी ही जो है सभी को बेवकूफ बनाने में लगी है। पहले तो उन्होंने कस्टमर को बेवकूफ बनाया कि 501 रुपए में फोन मिलेगा, उसके बाद दोस्तों वहाँ रिटेलर को बेवकूफ बना रही है कि आपको जो 166 रुपए कमीशन मिलेगा। हालांकि कंडीशन उन्होंने ऐसी रखी है कि 166 रुपए देने की जगह कंपनी 150 रुपए वापिस दुकानदार की जेब से लगवा रही है, और 1 रुपया कम दुकानदार वो नहीं कमा पाएगा। अब इसी को हम दोबारा से एक बार देखते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे आप सेकंड वाला क्लॉज दोबारा से देखिए जो मैंने आपको पहले भी बताया, पेड ऑन रिटर्न एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ओल्ड फोन एट JC हैंडसेट अप्रूव्ड बाय कंपनी। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जो 304 रुपए कंपनी देने वाली है हैंडसेट अप्रूव होने के बाद दुकानदार को, बाद में वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आपके फोन में मानो कोई प्रॉब्लम है, दुकानदार अच्छे से चेक नहीं कर पाया, कोई चीज उससे मिस हो गई चेक करने में, और वो जब रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर से वो JC में गया, हो सकता है इतने बीच में डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हुए या डिस्ट्रीब्यूटर से JC में यानी कि जियो सेंटर पे जाते हुए अगर उस फोन में कोई डैमेज हो जाए,
जाता है, चार्जर में डैमेज हो जाता है, कुछ भी वहां पे हो जाता है, तो वो जो 304 पे रिटेलर को मिलने थे वो 304 पे नहीं मिलेंगे। अब आप इसका उल्टा देखिए कि 166 रुपए कंपनी कह रही है कि वो एक दुकानदार को देगी एज अ कमीशन, लेकिन 304 पे उनको मिलेंगे। बाद में कब मिलेंगे? जब वो कंपनी के पास फोन चला जाएगा और वो वहां पे एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ ठीक है ये फोन एक्सचेंजेबल है और अब हम इसके बदले अब पैसे दुकानदार को दे सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे ऐसा नहीं हुआ, उस फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए 304 रुपए में से आप 166 रुपए लेस कर दिए तो कितने रुपए दुकानदार की जेब से चले जाएंगे, दुकानदार को एक रुपया वहां पे कमीशन भी नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि आधे से ज्यादा दुकानदार आपको मना कर देंगे अगर आप उनके पास जियो के फोन पड़े हैं, फिर भी वो आपको जियो फोन नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी दुकानदार आपको कोई सामान तभी बेचेगा जब उसको प्रॉफिट होगा। तो इस ऑफर में दम बिल्कुल भी नहीं है, ये ऑफर 110% फेल होने वाला है, कोई दुकानदार यहाँ पे किसी को भी आपको फोन नहीं देगा आसानी से। तो यहाँ पे कमेंट्स कीजिए, आप मुझे बताइए कि क्या जियो को ऐसा करना चाहिए था, आपको लगता है कि कोई दुकानदार आपको घाटे में फोन देगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके ये सब कुछ जो है जियो ने किया, दुकानदार का इस पे कोई हाथ नहीं है कि आपसे वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।